ये क्रीमी टेक्सचर वाला शाही पनीर देख रहे हैं, इसे अक्सर हम बाहर जाके ऑर्डर करते हैं, बट क्या आप जानते हो इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले ना हमें इसके लिए प्याज काटना होगा, तो मैंने दो प्याज लिए और इन्हें मैंने लंबा लंबा काट लिया। दो प्याज पे मैंने लिए हैं 4 टमाटर। तो इसे बनाते हुए ना थोड़ा रेशियो का अगर आप ध्यान करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। साथ में मैंने लिया है अदरक, लहसुन और ये जो धनिया के पीछे की डंडियां होती है ना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मैं इसे जरूर डालती हूँ। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने डाला जीरा और साथ में जितना भी हमने ये प्याज टमाटर अदरक लहसुन काट के रखा था ना, ये सब कुछ इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया। इस पे गए थोड़े से खड़े मसाले, 7-8 काली मिर्चें, 2 लौंग, 1 तेज पत्ता, मोटी इलायची, दालचीनी, 2 छोटी इलायची और 2 सूखी लाल मिर्चें। इसे ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट तक मैंने बहुत बढ़िया से भून लिया और फिर उसके बाद मैंने डाले इसके ऊपर थोड़े से काजू। काजू डाल के मैंने इस पे थोड़ा सा गर्म पानी डाला। इस सब के बाद मैंने इसको अच्छे से मिला लिया और फिर मैंने इसे ढककर ऑलमोस्ट 10 मिनट तक पकाया। बीच बीच में ना मैंने 1-2 बार इसको थोड़ा सा चला दिया था। जब तक ये पक रहा था तब तक मैंने धनिया काट लिया और साथ ही साथ मैंने पनीर भी काट के रख लिया। तो देखिए ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद ये सब थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। मैं गैस की फ्लेम को बंद करके इसे थोड़ी देर ठंडा करने रख दूंगी। मैंने इसमें से ना सारे खड़े मसाले भी निकाल दिए हैं। चलिए तो हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है और अब इसे पीस लूंगी। मसाले को पीसने के बाद ना मैंने इसे छान भी लिया है ताकि हमें बहुत ही सिल्की स्मूथ ग्रेवी मिले। और ये देखिए ये जो ऊपर रह गया है इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो चलिए हमारी ग्रेवी भी हो गई तैयार। अब कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, इस पे गई कश्मीरी रेड चिली पाउडर और ये जो ग्रेवी हमने प्रिपेयर करके रखी थी इस पे किया थोड़ा सा नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। इसे मिक्स करके मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट तक पकाया। जब ये पक गया तो लास्ट में मैंने डाली है 1 चम्मच खांड, आप चीनी भी डाल सकते हो, और साथ में डाली है मैंने ऑलमोस्ट 1 चम्मच क्रीम। अगर क्रीम ना हो तो आप मलाई भी यूज कर सकते हो। अब डाल दिए इसके अंदर ये पनीर के पीसेस जो हमने कट करके रखे थे और साथ में गया ये फ्रेश हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। इसे मिक्स किया और गार्निश किया कसूरी मेथी के साथ और ये जबरदस्त टेस्टी शाही पनीर बनके हो गया तैयार। इसे मैंने एंजॉय करा गर्मा गर्म रोटी और प्याज के अचार के साथ। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, खुद खाइएगा, फैमिली को खिलाइएगा और ऐसी और रेसिपीज को देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा।